Welcome to my channel. Today we will discussion about another topic. What is in the basis of breakage rate in certain time period and in terms of CMPX. तो CMPX में लूम पे ब्रेकेज कैसे होता है और उसका क्या मतलब स्टॉप रेट कैसे निकलता है, ये चीज़ के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि हर चीज़ समझ में आ जाए। तो ठीक है, CMPX के ऊपर चलता हूँ, फिर CMPX के बाद वो ब्रेकेज रेट कैसे निकालते हैं वो भी बताता हूँ। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज है CMPX का। CMPX ये टॉपिक में भी एक बार और डाला था, लेकिन कुछ व्यूअर्स ने बोले कि उसको एक बार और बढ़िया से डालिएगा, तो इसीलिए दोबारा बनाया हूँ। तो ये चीज़ को देखते रहना कैसे हम निकालते हैं CMPX। तो CMPX इस चीज़ का फॉर्मूला, इसके ऊपर ज़्यादातर मैं डिस्कशन करूँगा कि जो लूम होता है, जो कपड़ा बनता है जिस मशीन में, लूम वीविंग मशीन का जो स्टॉपेज होता है, धागा कटता है, धागा ब्रेकेज, वायर ब्रेकेज होता है या तो वेफ्ट ब्रेकेज होता है, उसका स्टॉपेज का एक कैलकुलेशन है। स्टॉपेज कैसे निकालते हैं पर CMPX का, तो वही मैं बता रहा हूँ अभी। तो हमारा जो भी लूम बन चलता है तो वो कभी 100% में नहीं चलता है, 90% चलता है, 85% चलता है, 95% चलता है, कभी RPM 900 RPM, कभी 800 RPM, 750 RPM, 950 RPM, 870 RPM, क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग RPM भी चलता है। और उसमें ब्रेकेज रेट रहता है, जो यान का वीकनेस या तो साइजिंग का कोई साइजिंग रिलेटेड कोई इशू हो या तो मैकेनिकल सेटिंग से कोई कमी हो, इस चीज़ के लिए लूम पे ब्रेकेज बढ़ता रहता है। तो वो जो ब्रेकेज आता है हमें पर आवर में कितना हो रहा है और पर पिक्स में कितना, मतलब लाख पिक्स, 1 लाख पिक में जो हो रहा है वो CMPX बोला जाता है। कि लूम पे जैसे लूम चल रहा है 900 RPM में, मीनिंग यही है कि पर मिनट में कितना पिक टोटल लगता है, पर मिनट में लूम का कैपेसिटी है कि कितना वेफ्ट इंसर्शन हो सकता है एक मिनट में, तो उसको RPM में हम एक्सप्रेस करते हैं। मैं निकालता हूँ अभी, आपको दिखा रहा हूँ कि CMPX में कैसे ये इसको एक्सप्रेस करे जितना भी अपना ब्रेकेज हो रहा है लूम पर। और एक टाइम दिया जाता है, जैसे शिफ्ट 8 घंटे का शिफ्ट है, 12 घंटे का शिफ्ट है, तो मैं यहाँ पहले 8 घंटे का शिफ्ट में निकालूँगा, फिर 24 घंटे का शिफ्ट का पूरा एक दिन का फुल एवरेज का निकालूँगा। है तो यही है दिखा रहा हूँ अभी। CMPX फर्स्ट थिंग है CMPX। CMPX का फुल फॉर्म क्या है? सी फॉर सेंटी, एम फॉर मिलियंस, पी एक्स फॉर सेंटी मिलियन पिक्स। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, तो 1 सेंटी मिलियन इक्वल टू 1 लाख। हर 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं और 1 लाख को हमें 1 सेंटी मिलियन बोलते हैं। तो CMPX यानी कि सेंटी मिलियन पिक्स, पिक्स जो वेफ्ट में अपना इंसर्शन हुआ लूम पर, सेंटी मिलियन यानी कि 1 लाख। जब 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो 1 सेंटी मिलियन पिक, 1 सेंटी मिलियन यानी कि 1 लाख, सेंटी मिलियन पिक्स यानी 1 लाख पिक्स। ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि सेंटी मिलियन पिक्स, सेंट मिलियन यानी कि 10 लाख, सेंटी मिलियन यानी कि 1 लाख। तो सेंटी मिलियन पिक्स, तो 1 लाख पिक्स। तो हमारे जो लूम स्टॉपेज होता है, तो पर सेंटी मिलियन पिक्स में CMPX में हर एक CMPX में कितना ब्रेकेज हो रहा है, या तो सेंटी मिलियन पिक्स या तो हर 1 लाख पिक में कितना ब्रेकेज हो रहा है ये निकालना होता है, या तो जो भी कंप्यूटर में अपना मशीन का कंप्यूटर है उसमें वो शो करता है, वो अभी मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि ARZ मशीन, चाहे सुडोकोमा ले लीजिए, पिकानल ले लीजिए, टोयोटा ले लीजिए,
उसमें क्या है, कंप्यूटर में शो करता है एफिशिएंसी, आरपीएम, ब्रेकेज रेट, ठीक है ना, ब्रेकेज रेट पर शिफ्ट, यानी वार्प में बताएगा, वेप्ट में बताएगा, अदर्श में बताएगा। पर अदर्श वाले को मैं यहाँ पे दिखाई नहीं रहा हूँ, क्यों, हमें बस वार्प और वेप्ट का सेंटीमिलियन पिक्स सीएफपीएक्स निकालना है। तो एफिशिएंसी मान के चलिए 92% एफिशिएंसी चला है मशीन, आरपीएम मान लो 800, ब्रेकेज रेट पर शिफ्ट, शिफ्ट यहाँ पे मान लेते हैं 8 घंटे का शिफ्ट है, तो वार ब्रेकेज मान लीजिए 15 वार ब्रेकेज हुआ, और वेप्ट, वेप्ट का ब्रेकेज हुआ यानी कि फिलिंग हुआ मान लो 8, तो उसका सीएमपीएक्स कितना है वो निकालना है। ब्रेकेज रेट मतलब हर एक सीएमपीएक्स में, हर लाख पीक में कितना ब्रेकेज हो रहा है, वो ब्रेकेज रेट पर सीएमपीएक्स में, पर 1 लाख पीक में यानी कि एक सीएमपीएक्स में कितना ब्रेकेज हो रहा है वो निकालना है। तो हमें यहाँ दिया गया एफिशिएंसी 92%, आरपीएम दिया गया 800, और ब्रेकेज रेट पर शिफ्ट, शिफ्ट दिया गया 8 घंटा, ब्रेकेज रेट हुआ 15, 8 घंटे शिफ्ट में वार्प हुआ है 15 बार, और वेप्ट हुआ है 8 बार। पर ऐसा हमें ये नहीं पता है कि जो 15 बार वार्प हुआ है वहाँ पे कभी 10 धागा भी कट सकता हो, कभी 5 भी कटता है, कभी सिंगल सिंगल कटता है, पर ज़्यादातर यह है कि सिंगल धागा का ब्रेकेज, क्योंकि वार्प ब्रेकेज मल्टीपल तब होता है जैसे कि यान की फॉल्ट हो, साइजिंग के थोड़ा ज़्यादा साइज पे आ जाने की वजह से, या तो किसी कारीगर वर्कर रिलेटेड से कुछ फॉल्ट के वजह से, या तो पीछे कुछ धागा फंसा है जो मशीन बंद नहीं रहा, चलता रहा, इस वजह से मल्टीपल होने का चांस रहता है, जिससे हमारे 10, 15, 20 एट ए टाइम 20-25 धागे का धागा ब्रेकेज होने का चांस रहता है। पर वो चीज़ को हमें डिस्कशन को नहीं ले रहे, बस ज़्यादातर अगर किसी में वायर ब्रेकेज बोले तो सिंगल धागा, 1 या 2 धागा 3 सिंगल एंड्स का ब्रेकेज होता है ये मान के चलते हैं। तो 8 घंटा 92% लूम चला है, आरपीएम हो गया 800, ब्रेकेज रेट पर शिफ्ट का वायर ब्रेकेज हो गया 15 बार, 15 टाइम्स, नॉट 15 सिंगल एंड, सिंगल एंड ब्रेकेज, तो 15 टाइम्स वायर ब्रेकेज हुआ है, यानी कि 15 टाइम्स लूम बंद हुई है वार्प के चक्कर में, और वेप्ट के चक्कर में हमारा 8 बार लूम बंद हुआ है, 8 टाइम्स लूम स्टॉप फॉर वेप्ट ब्रेकेज, ठीक है ना। तो ये टोटल कब हुआ है, 8 घंटे के शिफ्ट में। तो अभी निकालना है ब्रेकेज रेट पर सीएमपीएक्स में कितना है, चले वार्प का सीएमपीएक्स निकालो और वेप्ट का सीएमपीएक्स निकालो, वेप्ट का सीएमपीएक्स वार्प का सीएमपीएक्स नहीं, पर सीएमपीएक्स, वार्प ब्रेकेज पर सीएमपीएक्स, वेप्ट ब्रेकेज पर सीएमपीएक्स, या तो वार्प पर सीएमपीएक्स में कितना है, फिलिंग पर सीएमपीएक्स में कितना है, वही निकाल रहा हूँ। तो पर सीएमपीएक्स में निकालने के पहले, जब ये ब्रेकेज हुआ है 15 और ये फिलिंग हुआ 8, तो ये 15 फिलिंग 8 ब्रेकेज में हमारा टोटल पिक्स लगा है कितना, वो निकालना है। तो जब 800 आरपीएम के लूम चला है 8 घंटे का शिफ्ट, तो 100% का क्या कैपेसिटी है आरपीएम, यानी कि 800 आरपीएम का इसका यही मतलब है पर मिनट में 800 पिक्स मशीन पे इंसर्ट हो जाता है अगर लूम बिना बंद हुए चलता रहता है, तो यानी कि 100% का प्रोडक्शन पर मिनट का है अगर 800 आरपीएम में चला, तो 800 पिक्स उस हिसाब से पूरा 8 घंटे का निकालना है। पर हमें जब 100% नहीं चला है तो हमें एक्चुअल कितना पिक लगा है मशीन पे वो निकालना होता है। तो अगर पूरा पिक में अगर 100% चलता तो पूरा पिक का निकालना था, तो अगर जब 92% चला है तो 92% में रियल में एक्चुअल 8 घंटे के शिफ्ट में कितना पिक लगा है वो निकालना है। तो पिक कितना लगाया अभी निकालते हैं, आरपीएम 800 का मतलब पर मिनट में 800, 8 घंटे का शिफ्ट, 8 घंटा शिफ्ट यानी कि मिनट में कितना होगा, पर घंटा का 60 मिनट, 8 घंटे का 8 × 60 मिनट, यानी ये टोटल मिनट में हो गया इतने 480 मिनट हुआ टोटल टाइम, एंड पर मिनट में 800 पीक, तो 480 मिनट में इतना पीक, ये 100% का, उसका 92% यानी कि 92 / 100, 800 पर मिनट में 100% का टोटल मिनट 480 मिनट, 480 मिनट में 800 गुणा कर देंगे तो टोटल 480 यानी कि 8 घंटे का 100% का निकलेगा, तो उसका 92% निकालना है, तो 92 / 100 कर देंगे तो जो आएगा वो 92% के हिसाब से 8 घंटा शिफ्ट में पिक लगा है टोटल पिक्स, तो उसको कितना होगा, 2020 कट, और इसको कैलकुलेट करते हैं अभी।
एट इंटू एट 64, इंटू 60 इंटू 92 इक्वल टू 353,280 पिक लगाए, 353,280 पिक्स उस वीविंग मशीन में लगा है, कितने में, 8 घंटे में, 92% के हिसाब से, 92% के हिसाब से 8 घंटे के शिफ्ट में आरपीएम 800 के हिसाब से कितना पिक लगा है, 353,280 पिक्स, ठीक है ना। ये टोटल 353,280 पिक लगा है, तो उतना पिक लगने में ब्रेकेज हुआ 15 टाइम्स, 15 बार वार्प में बंद हुए, 8 बार बंद हुई फिलिंग में। तो वार्प इंपैक्स इसे निकालेंगे कैसे, जब यार 353,280 पिक में 15 बार बंद हुआ, तो यहाँ पे एक चीज़ है, फुल पिक लगा 353,280 पिक में 15 बार बंद हुआ, तो एक में एक एक सिंगल पिक्स में कितना होगा, 15 / 353,280, तो 1,00,000 में सेम पिक्स, यानी कि 1,00,000 पिक में कितना हुआ, पर 1,00,000 पिक में 15, 353,280 इंटू 1,00,000, 1,00,000, तो ये सॉल्व कर देंगे तो पर सेम पिक्स में कितना ब्रेकेज है वो आ जाएगा, यानी कि 353,280 पिक में 15 ब्रेकेज हुई, एक पिक में कितना ब्रेकेज हुई इसको डिवाइडेड करें टोटल पिक्स में, तो एक पिक में इतना ब्रेकेज हुआ, तो 1,00,000 पिक, यानी कि पर सेम पिक्स में कितना, 1,00,000 पिक में गुणा कर देंगे 1,00,000, उसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो पर 1,00,000 पिक में इतना ब्रेकेज हुआ, 1,00,000 पिक बोलो या तो सेंटीमिलियन पिक्स बोलो, तो सेम पिक्स में वही है जो 1,00,000 पिक में मशीन ब्रेकेज बताया है, इसमें 15 / 353,280 जो भी आया उसको 1,00,000 में भाग गुणा करते हैं, 4.24, यानी कि 4.24, ये मैं 15 कौन सा था वार्प का, तो ये 4.24 ब्रेकेज पर सेम पिक्स का आया, टाइम्स ब्रेकेज पर सेम पिक्स टाइम्स होगा, 4.24 बार मतलब ब्रेक लूम स्टॉप हुई 1,00,000 पिक में, तो 4.24 टाइम्स पर सेम पिक्स का ये ब्रेकेज बताएगा। वैसे ही अभी क्या करना है, वेप्ट का निकालना है, तो वार्प का कितना आया, 4.24 टाइम्स पर इच सेम पिक्स, हर एक सेम पिक्स में 1,00,000 पिक में एक सेम पिक्स 4.24 टाइम्स पर सेम पिक्स में बता रहा है, यानी कि वार्प सेम पिक्स 4.24 आया, 15 वार्प ब्रेकेज हुआ, 800 आरपीएम में 92% मशीन का। तो फिलिंग का कितना आया, हमारा फिलिंग 8 हुआ है, तो पूरा 800 आरपीएम में 92% चली है, 8 घंटा चली है, तो 8 फिलिंग हुआ है, तो टोटल 8 फिलिंग होने में कितना पिक लगा है, पूरा जितना टाइम मशीन रनिंग रहा 8 घंटा, 8 घंटा में पिक लगा है 353,280 पिक, तो 353,280 पिक लगा है 8 बार फिलिंग होने में, तो एक पिक कितने बार फिलिंग होने में लगा, टोटल 8 पिक को डिवाइड करो 353,280 पिक में, तो एक सेम पिक्स में कितना होगा, सेम पिक्स बोलो या तो 1,00,000 पिक, 1,00,000 पिक में कितना बार बंद हुई, तो 8 / 353,280 इंटू 1,00,000, ठीक है ना, ये इसको सॉल्व करते हैं आ जाएगा। टू सिक्स फिलिंग सेम पैक्स, यानी 1,00,000 पिक में इतना बार
मशीन स्टॉप हुआ है तो 2.26 फिलिंग सी एम पी एक्स, मतलब इस कंडीशन में। तो इसका एट टाइम ब्रेकेज हुआ था, 2.26 टाइम्स ब्रेकेज हुआ पर सी एम पी एक्स, मैंने कि फिलिंग सी एम पी एक्स 2.26, वार्फ सी एम पी एक्स 4.24। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सेम आरपीएम रख रहा हूँ 800 आरपीएम, और यहाँ एफिशिएंसी का आगे कम ज़्यादा करते हैं। देखिए एफिशिएंसी 92 चला है, एक मिनट, आरपीएम यहाँ फिक्स करते हैं, आरपीएम आरपीएम इज 800, शिफ्ट ऑल्सो 8 आवर, ठीक है, शिफ्ट ऑल्सो 8 आवर। तो एक मशीन चली है, मशीन नंबर 1, इसका एफिशिएंसी है 90%। मशीन नंबर 2, इसका एफिशिएंसी है मान लेते हैं 85%। मशीन नंबर 3, उसका एफिशिएंसी मान लो 97%, या तो कम करके लिखते हैं, कम होता रहता है, कोई बात नहीं, 80%। इसमें वार्प हुआ है 10, उसमें वार्प हुआ है 12, इसमें वार्प हुआ है, मैं सेम ब्रेकेज पकड़ते हैं, इसमें भी 10, इसमें भी 10, वार्प इसमें भी 10, फिलिंग इसमें 15, इसमें भी फिलिंग 15 है, इसमें भी फिलिंग 15 है, लेकिन साला एफिशिएंसी क्यों कम हो रहा है? साला वार्प ब्रेकेज इसमें भी 10, इसमें फिलिंग भी 15 है, उसमें भी वार्प ब्रेकेज 10, इसमें भी फिलिंग 15, वार्प ब्रेकेज 10, फिलिंग 15, पर यहाँ पर जब आरपीएम वही है, शिफ्ट वही है, एफिशिएंसी में क्यों चेंज आया? जब वार्प ब्रेकेज हर एक मशीन में, मशीन नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर मशीन में 10-10 वार्प हुआ है, फिलिंग भी 15-15 हुआ है, पर वहाँ पे एफिशिएंसी क्यों कम हो रहा है? हो सकता है जो ऑपरेटर ज़्यादा टाइम लूम बंद किया हो, या तो अटेंडिंग टाइम ज़्यादा लगाया हो, इस वजह से एफिशिएंसी कम आया, लेकिन ब्रेकेज रेट पर मतलब शिफ्ट में इतना है, सी एम पी एक्स में नहीं, लेकिन 8 घंटा मतलब टाइम्स पर आवर, टाइम्स पर टोटल शिफ्ट में आया है, तो ब्रेकेज रेट फॉर शिफ्ट में 8 घंटे के शिफ्ट में 10 आया, वार्प में फिलिंग में 15-15, पर वहाँ पे वार्प सेम पे फिलिंग सेम से निकालेंगे ना, तो थोड़ा अलग अलग आएगा। तो वही है, मैं पहले बोला था 800 आरपीएम में अगर एफिशिएंसी 90 चला है तो टोटल पिक्स कितना होगा 800, 8 घंटे का शिफ्ट यानी कि 480 मिनट, उसका कितना है 90%, ये जो आएगा निकल के वो हो जाएगा टोटल पिक्स। और यहाँ पे भी वही होगा, 800 480 मिनट का शिफ्ट कितना चला, 85 डिवाइडेड 100, तो इसमें क्या है, वही 800 आरपीएम, 480 मिनट का शिफ्ट, 80% चला है तो 80 डिवाइडेड 100, टोटल पीक कितना लगा इसको सॉल्व करेंगे, 90% के हिसाब से 800 आरपीएम का कितना पीक लगा है पता चलेगा, और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 800 आरपीएम सेम आरपीएम सेम शिफ्ट बाकी 85% परसेंटेज कम हुई तो कितना पीक लगा है, और इसमें परसेंटेज कम हुई तो कितना पीक लगा है, टोटल पीक कितना, एक्चुअल पीक लगा है कितना, वो निकालना है, नॉट 100% का, जो चला है उसका ही निकालना है। तो मैं दिखा रहा हूँ ना कितना आ रहा है एक्चुअल, 480, इसमें लगा है 3,45,600, 3,45,600, उसमें कितना लगा है, तीन लाख छब्बीस हज़ार चार सौ क्या है पीक,
ये टोटल पिक्स इतना लगा है, एक्चुअल पिक में ही कैलकुलेशन होता है ब्रेकेज रेट पर सी एम पेक्स के हिसाब, कितना पर एक सी एम पेक्स में कितना ब्रेकेज हो रहा है, 800, 480 उसका 80%, उसमें कितना 3,07,200। इसमें 800 आरपीएम में 90% लूम चली तो 3,45,600 पिक लगाए, 800 आरपीएम में 85% लूम चली तो 3,26,400 पिक लगा है, और 800 आरपीएम में 80% चला है 3,07,200 पिक लगा है। देखिए 90% में जितना पिक लगा है 3,45,600 पिक, 85% में पिक कम लगा है और 80% में पिक और उससे भी और कम लगा है, सबसे ज़्यादा लगा है 90% में, सबसे कम लगा है 80% में, यानी एफिशिएंसी कम होता रहता है तो पिक भी कम लगता है, एफिशिएंसी ज़्यादा होता है तो पिक ज़्यादा ही लगता है। तो अभी पिक, ये पिक मिल गया और ब्रेकेज सब में 10 बार 15 फिलिंग, तो इससे अभी निकालना है सी एम पेक्स कितना, तो इतना पिक में कितना हुआ 10 वार्प, तो वार्प सी एम पेक्स कितना होगा, एक में इतना टोटल 3,45,600 पिक में 10 वार्प हुआ है, तो एक में कितना हुआ 10/3,45,600, तो 1,00,000 पिक में कितना, देखो 3,45,600 में 10 वार्प, तो एक में कितना है 10/3,45,600, तो एक सी एम पेक्स में, एक सी एम पेक्स बोलो या तो 1,00,000 बोलो, 10/3,45,600 × 1,00,000, तो उस हिसाब से इसमें भी वही आएगा कि ब्रेकेज रेट कितना है, एक उसमें 3,26,400 में कितना हुआ 10 वार्प, एक में कितना हुआ 1,00,000 पिक में, एक एक सिंगल पिक में 10/3,26,400, तो एक सी एम पिक्स में कितना आएगा, ये 10/3,26,400 × 1,00,000, फिर इसमें वही आएगा 3,07,200 में 10 बार बंद हुई, तो 1,00,000 में कितना हुआ, एक पिक सिंगल पिक में कितना हुआ 10/3,07,200, तो 1,00,000 एक सिम पिक्स में कितना है, या तो 1,00,000 पिक में कितना 10/3,07,200 × 1,00,000, तो ये सारा का कैलकुलेशन निकाल लेंगे तो सी एम पेक्स 10 यानी कि वार्प ब्रेकेज का है तो वार्प सी एम पेक्स निकल जाएगा। अभी दिखा रहा हूँ ना कितना आ गया, ये सब 10 10 है, दस डिवाइडेड 3,45,600 जितना है उसको 1,00,000 में गुणा करना है, 2.89 सी एम पेक्स आया, इसमें आया 2.89 सी एम पेक्स वार्प का। और उसमें आया 85% में 10/3,26,400, एक लाख 3.06 इसमें आ रहा है 3.06, और लास्ट में कितना 10/3,07,200, तो यहाँ पे 90% लूम चला है, 800 rpm 8 घंटे शिफ्ट में, वार्प 10 है, यानी इतना वार्प ब्रेकेज पर शिफ्ट में हुआ है, सेम ब्रेकेज टाइम सेम है, सेम टाइम बंद हुई है, पर सी एम पिक्स में अंतर आया, 90% चला तो 2.89, 85% चला तो 3.06, 80% चला तो 3.25, यानी सेम टाइम लूम बंद हुआ है पर सी एम पिक्स में अंतर आया, यानी कि एफिशिएंसी कम होता रहता है सेम टाइम ब्रेकेज के लिए,
सीएमपीएक्स बढ़ता है, सीएमपीएक्स बढ़ता है यानी एफिशिएंसी उसमें घटता है, ठीक है ना। जब एफिशिएंसी 90% था, सेम 10 ब्रेकेज हुआ था 2.89, और जब वो सेम 10 ब्रेकेज पर 80% चला है तो 3.25 सीएमपीएक्स बता रहा है, यानी सीएमपीएक्स बढ़ता है। अगर ब्रेकेज टाइम भले ही सेम रहता है लेकिन सीएमपीएक्स इसमें बढ़ता है अगर एफिशिएंसी कम हो जाता है तो, और सीएमपीएक्स जितना कम रहेगा एफिशिएंसी उतना अच्छा आएगा। ये वार्प का निकाला तो से उसी हिसाब से फिलिंग को भी निकाल सकते हैं। फिलिंग का भी निकाल दो ना, अभी दिखा रहा हूँ, फिलिंग का भी निकाल के दिखा रहे हैं। सेम कैलकुलेशन, सिर्फ फिलिंग का ही कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा। तो उसको यहीं पे लिख लेता हूँ। तो 3,45,600 में कितना हुआ, 15 बार, तो एक में कितना हुआ, 15 डिवाइडेड बाय 3,45,600, एक में, लाख में कितना, यानी कि एक सीएमपीएक्स में, एक सीएमपीएक्स में इतना, ये जो सॉल्यूशन आएगा ये फिलिंग का आएगा, और इसमें इतना पीक लगा है तो इतना पीक में फिलिंग हुआ 15, तो एक में कितना, 15 डिवाइडेड बाय टोटल पीक 3,26,400 पीक, और लास्ट में 3,07,200 पीक लगा है, फिलिंग हुआ 15, तो टोटल पीक में 15 फिलिंग हुआ है। तो एक में कितना, 15 डिवाइडेड बाय 3,07,200, तो टोटल लाख में कितना होगा, गुणा लाख कर दो इसमें भी, पर टोटल पीक में 15 बार फिलिंग हुआ है, एक में 15 डिवाइड बाय टोटल पीक कर दिया, लाख में गुणा कर देंगे तो पर सीएमपीएक्स का वो फिलिंग आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 15 डिवाइडेड 3,45,600 इंटू 1,00,000, 4.34 सीएमपीएक्स फिलिंग का, 4.34, उसमें कितना, 15 डिवाइड 4.59 मार निकल रहा है, 4.59, और वो लास्ट वाला 80% वाला 15 डिवाइडेड 3,07,200 इंटू 1,00,000, 4.88, तो 4.88, तो यहाँ पे 15 फिलिंग, हर एक में 15 15 फिलिंग हुआ है, बाकी 90% ये लूम चला है, 2 नंबर मशीन चला है 85, 3 नंबर मशीन चला है 80%, 90% में 15 फिलिंग में आया 4.34, वही मशीन सेम आरपीएम सेम टाइम शिफ्ट का 85% में आया 4.59। देखो 4.34 से 4.59 बढ़ रहा है, और 80% जो मशीन है फिलिंग का 15 बार फिलिंग हुआ है, बाकी 4.88 सीएमपीएक्स का, मतलब 15 बार फिलिंग हुआ है, बंद हुई है, पर सीएमपीएक्स में 4.88 ब्रेकेज हुआ पर 1 लाख पिक का, यानी कि सीएमपीएक्स यानी कि जो भी आ रहा है टर्म पर लाख पिक में कितना ब्रेकेज हुआ है, कितना टाइम बंद हुआ है मशीन, तो ये होता है सीएमपीएक्स का। अभी इसका रिजल्ट यहीं पे शो कर देता हूँ ताकि अपन पर्सनली कभी भी अगर कैलकुलेट करोगे तो ये कंफर्म कर सकते हो सही है कि गलत है। इसको मैं थोड़ा ऊपर और लिख लेता हूँ, 4.34 इसको निकला था, फिर 4.59 इसकी निकली थी, इसकी निकली थी 4.88, ठीक है। तो 90% चला है फिलिंग वार्प 10 फिलिंग 15, वार्प 10 फिलिंग 15, वार्प 10 फिलिंग 15, 90 के जगह ये 2.89 आ रहा है, 80 में सेम ब्रेकेज 10 हुआ है पर 3.25, यानी कि इससे ये बड़ा है फिलिंग में, वैसे ही 15 फिलिंग इसमें भी हुआ है, 15 फिलिंग 3 नंबर मशीन में भी हुआ, पर 90% यहाँ चला वहाँ 80%, फिलिंग 15 हुआ तो 4.34 सीएमपीएक्स आया, पर सीएमपीएक्स में इतना टाइम से ब्रेकेज हुआ, बाकी वही फिलिंग सेम टाइम 15 फिलिंग के वजह से भले 15 फिलिंग हुआ है पर सीएमपीएक्स बढ़ रहा है, यानी सीएमपीएक्स बढ़ रहा है यानी कि पीक हमें उसे कम लगता है, पीक कम कब लगेगा, जब अटेंडिंग टाइम बढ़ेगा तब। तो ये चीज़ है सीएमपीएक्स के ऊपर कैलकुलेशन, उसका सीधी सीधी एक चीज़ मैं फॉर्मूला नोट करा लेता हूँ तो आप लोग भी नोट कर दीजिएगा।
यहाँ पे सीएमपीएस ब्रेकेज रेट, एक और ये चलता है, तो इसमें मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ आपसे, देखिए नोट लिख लीजिए, सी एम पी एक्स इज इक्वल टू सेंटी मिलियन पिक्स। अगर ये सेंटी मिलियन पिक्स सी एम पी एक्स होता है, ब्रेकेज रेट मतलब पूरे शिफ्ट में कितने बार लूम बंद हुई है अगर वो दिया है, मतलब इतने घंटे में इतने टाइम ब्रेकेज हुआ है पूरा 8 घंटे के शिफ्ट में, मतलब ब्रेकेज टाइम्स टाइम्स ऑफ ब्रेकेज इन मतलब सर्टन टाइम पीरियड यानी कि घंटे में, पर ब्रेकेज रेट पर 8 आवर शिफ्ट, पर शिफ्ट में कितना ब्रेकेज हुआ है आवर और टाइम्स, इतना टाइम ब्रेकेज और टाइम के हिसाब से सीएमपीएक्स में, टाइम के हिसाब से ब्रेकेज रेट मान लो जो भी दिया गया है और साथ में उस लूम पे एक्चुअल मशीन रनिंग में कितना पिक लगा है, तो ब्रेकेज रेट डिवाइडेड एक्चुअल पिक इन रनिंग मशीन इनटू 1 लाख, 1 लाख पिक, दिस इज इक्वल टू क्या निकलेगा, ब्रेकेज टाइम्स पर सी एम पी एक्स, ये है उसके फॉर्मूला। जैसे कि पूरा शिफ्ट में कितना, या तो घंटा का निकालो 24 घंटा का निकालो बात वही है, 8 घंटा का निकालो तो वही है, तो पूरा एक्चुअल पीक्स इन रनिंग मशीन में कितना लगा है और इतना पीक लगने में कितना ब्रेकेज हुआ है और पूरा ब्रेकेज हुआ इतना पीक में, एक में कितना हुआ एक पीक में, तो टोटल ब्रेकेज इतना हुआ डिवाइडेड एक्चुअल पिक्स इन रनिंग मशीन, और सीएमपीएक्स में निकाला यानी कि सीएमपीएक्स बोला था सेंटी मिलियन पिक यानी कि 1 लाख पिक, और तो 1 पिक में ब्रेकेज रेट के डिवाइडेड एक्चुअल पिक्स इन रनिंग मशीन, तो टोटल 1 लाख पिक में ये इसको 1 लाख में गुना कर देंगे जो भी आएगा, तो ब्रेकेज टाइम्स पर सीएमपीएक्स में वही होगा। तो यही था हमारे टॉपिक, तो अगर ब्रेकेज रेट टाइम्स में पर शिफ्ट में दिया गया या तो पर टाइम्स पर आवर में दिया गया है तो सीएमपीएक्स में कैसे निकलते हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अदर्स को, थैंक यू, ओके।